नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम पत्ता गोभी का पराठा बनाने वाले हैं। बहुत से बच्चों को पत्ता गोभी पसंद नहीं आता है, तो हम सीक्रेटली इसके पराठे बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गोभी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम गोभी का कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमने पत्ता गोभी का इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। इसमें बहुत सारा पानी होता है, इसलिए हमें इसको अच्छे से निचोड़ लेना है। देखिए, इसको इस तरह से दबा लेना है। इसको अच्छे से दबा के सारा पानी निचोड़ लेना है। अगर हम इसका पानी नहीं निचोड़ते हैं तो हमारे पराठे फट सकते हैं, आटा गीला हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए, निचोड़ने के बाद हमारा पत्ता गोभी इस तरह से सूखा होना चाहिए। गोभी का पराठा बनाने के लिए हमने सॉफ्ट आटा गूंद के लिया है, कद्दूकस किया हुआ गोभी लिया है, मिर्ची, जीरा, यहाँ मैंने अदरक और लहसुन को कद्दूकस कर लिया है, और दो मिर्ची बारीक कटी हुई ली है, गरम मसाला बारीक कटा हुआ, हरा धनिया, नमक स्वादानुसार। अब पराठे की स्टफिंग तैयार करने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, जीरा, अदरक लहसुन का बारीक कटा हुआ पेस्ट, हरी मिर्च, गरम मसाला, हरा धनिया, नमक स्वादानुसार। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। पत्ता गोभी का पराठा बनाने के लिए हमें आटे की इस तरह से लोई लेनी है। इसमें सूखा आटा लगा के इसे इस तरह से गोल करना है और इसकी छोटी पूरी तैयार कर लेनी है। अब हम इसमें हमारी स्टफिंग भरेंगे और इसको इस तरह से ऊपर करके बंद करना है। देखिए, अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। रोटी बनाने से पहले इसे फिर से सूखे आटे में मिला ले। अब इसे बेलना है, इसे एकदम हल्के हाथ से बेलना है, बहुत ज्यादा बेलना नहीं है, और हम इसे आटा लगा लेंगे। अब हमारा पराठा सेकने के लिए तैयार है। हमारा पैन गरम हो गया है, अब हम इस पे पराठा डालेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है। अब हम इसे पलट देंगे। अब इस पे ऊपर से ऑयल लगा लेंगे। आप इस पे ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से भी हम ऑयल लगा लेंगे। देखिए, हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, हमारा पत्ता गोभी का पराठा तैयार हो गया है। इसे हमने सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसे पुदीना की चटनी, दही या अचार के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। ऐसे ही लजीज रेसिपीज जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।